अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज, मोहम्मद यासीन, आयशा यासीन। सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वेरी फिल्मी के ओएसटी के ऊपर। वेरी फिल्मी इसके सिंगर है अहमद अली साहब एंड द लीडिंग एक्टर्स इज दनानीर एंड आमिर। दनानीर मुबीन, दनानीर, या आमिर। गाने का नाम है तेरे रंग रंग, वेरी फिल्मी। सो आई होप कि इसमें ज्यादा ड्रामेटिक सॉन्ग ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। उसके बाद भाई और क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम, उन्होंने गाने का नाम ही दिया है वेरी फिल्मी। मूवी का आई मीन सीरीज का नाम, सीरीज का नाम ही दिया है, मतलब वेरी फिल्मी। वेरी फिल्मी, आई थिंक इट्स अ रमजान सीरीज, नहीं? हां, शी सजेस्टेड दैट, सो आई थिंक इट्स अ रमजान सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए और एंटरटेनमेंट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं। माय बैड, सॉरी। यहां स्क्रीन में भी देते हैं, यहां पर यहां स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट, उसके बाद लेट्स टॉक टॉक टॉक। हेलो, सिनेमाटोग्राफी समवन एल्स। देखूं तुझको मेरा सवेरा हो जाए। अच्छा, देखूं तुझको मेरा सवेरा हो जाए। रातों का ये दूर अंधेरा हो जाए। नाइस। जाने कब से भटका फिरता हूँ, आंखों में तेरी मेरा बसेरा हो जाए। सामने तू हो तो क्या नजारा चाहिए, मैं तेरे रंग रंग जाऊं, तुझे अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मिलाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। सारी तेरी बातें लिख लेता हूँ, जब तू ना हो इनको पढ़ूं। दिल की किताब के हर एक सफे को तेरी तारीफों से मैं भरूं। दिल में थोड़ी दे दे जगह, जो मेरा है वो सब तेरा हो जाए। सारे तोड़ कर तेरे पास मिलाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तेरे ख्यालों में ही रहने लगा हूं मैं, बहती हवाओं में बहने लगा हूं मैं। तू ही सफर से ये कहने लगा हूं मैं तेरे रंग रंग जाऊं, तुझे अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मिलाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। Playing actors in drama. Very filmy, yes.
ड्रामे में भी ये शायद लाइक रेट्रो लुक्स आ रहे हैं बहुत कुछ, ये किसी और के लिए मतलब एक्ट कर रहे हैं हो सकता है. बट व्हाट इज द सिंगर्स नेम जो कि हमारे बॉलीवुड में काम कर रहे थे, फहद, व्हाट इज हिज नेम, हम लोगों का सुनते हैं ना, अली जफर. अली जफर, हाँ, सिमिलर आवाज नहीं दिख रही थी. अली हसन, कुछ रिसेंटली ऐसे सेम टोन में कुछ सॉन्ग आया था अली जफर का, हाँ वो तो मुझे याद नहीं है, बट अली जफर का मैंने आई थिंक मतलब आवाज बहुत सिमिलर दिख रही थी मुझे. सो देयर इज अनदर सॉन्ग ऑफ अली जफर जिसमें उनके भाई ने एक्ट किया था, ताना बाना ड्रामा, इट वॉज अगेन रमजान ड्रामा, सो अगेन उसका टोन भी यू नो कुछ सिमिलर ही था. बट या मुझे लगा कि लाइक यू नो दैट्स द सेम एक्टर, बट देन आई रियलाइज नो ये दोनों वाला है, दे लुक अलाइक, लाइक बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों के. भाई लड़की भी अच्छी है. Yeah, so if you guys don't know, she's the Pari Wali girl. Pari ho rahi hai girl. But she clicked so good, nahi wa? Raat aur raat bandi kisi ke chamak gayi. You know, making a reel, wo bhi cringe reel to being an actress in Pakistani drama is a big deal, yeah. Very big deal. I think bahut maine recently suna bhi tha ki she is doing well. I think I saw somewhere in Twitter or somewhere, ek post maine dekha tha, but I think 2-3 maine, but अगेन एक लीड एक्टर का कैरेक्टर मिल गया है तो दैट इज अ वेरी गुड. सपोर्टिंग एक्टर तो चलो दैट्स सेकेंडरी, बट बीइंग अ लीड एक्टर आई थिंक दिस इज अ सेकेंड और थर्ड सीरीज ऑफ हर्स. इससे पहले मैंने एक सीरी देखा था वेयर शी इज डन अ वेरी लाइक यू नो वेरी गुड एक्टिंग, वेयर शी इज अ कॉलेज स्टूडेंट एट द सेम टाइम शी फॉल्स इन लव विद अ गाय, सो दैट्स अ वेरी नाइस ड्रामा. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ड्रामा नाउ, बट ऑल्सो द थिंग के वॉट आई हैव नोटिस्ड कि इन पाकिस्तान ड्रामा देयर वाज अ टाइम जब रमजान सीरीज जब आते थे तो जाने मैंने चेहरे उठाते थे. ओके, देवर लेकिन लास्ट ईयर मैंने जब नोटिस किया तो देवर ऑन न्यू फेजेस, एंड आई थिंक दिस टाइम आल्सो दे हैव मेंटेन द सेम थिंग न्यू फेजेस. बट आई थिंक जो रमजान सीरीज होते थे उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छा यू नो ये मिला था, रिकॉग्नाइजेशन मिला था, जैसे कि इकरा अजीज वाज नोन बाय सुनो चंदा. उससे पहले उन्होंने किया था काम, लेकिन सुनो चंदा चेंज द लाइफ स्पेशली इन इंडिया, पीपल गॉट टू नो हर फ्रॉम दैट टाइम सुनो चंदा. एंड आल्सो लाइक इफ यू गाइस डोंट नो, रमजान सीरीज का मतलब होता है कि पाकिस्तान में फर्स्ट रोजे को आई थिंक या चांद रात को फर्स्ट रोजे को सीरीज स्टार्ट होती है, ईद को या चांद रात को खत्म होती है, ओके, एवरी रमजान. एंड ऑल्सो इन ऑल द चैनल्स जैसे कि हम टीवी है, ARY डिजिटल है, इन सारे में 2-3 ड्रामा ऐसे चलते रहते हैं, हर रमजान में चलते हैं. And I think Suno Chanda was part of Ramzan, only Suno Chanda 2 was part of Ramzan. So yeah, this was her reaction on very filmy because हम लोग इसके बारे में ज़्यादा leaving that Pariwari girl and Ramzan का series overall भाई इस video में मतलब cute सी love story दिखाई गई है without any नोक झोंक, without any violence. And the location is really nice. And लग तो रहा है कि इस series में मतलब दोनों actor हैं और मतलब the guy is actor and she is actress. Series के अंदर भी ये लोग acting कर रहे हैं. तो मतलब लग रहा है कि मतलब acting करते करते models हो सकते हैं. Correct. हाँ. They are lot of time they are like shooting like photo shoot ऐसा कुछ कर रहे हैं. हाँ. So models हो सकते हैं कोई brand के लिए anything. लग रहा है कि मतलब इन लोगों को एक साथ काम करते करते मतलब they both have fallen for each other. And cute सी love story है. Overall it is a good song. कितनी भी cute सी love story हो, love story के end में थोड़ा filmy मतलब वो होता ही है, you know. Correct. थोड़ा रोना धोना. Again गाने में तो कुछ नहीं दिखाया है, but series में पता नहीं. Series में हो सकता है, but yeah, वेरी फिल्मी नाम देख के देखने के बाद कोई ड्रामा वो ही देखेगा उसको बहुत ज्यादा ड्रामा पसंद होगा, बिकॉज दे आर सम बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसे बहुत रियलिस्टिक चीजें पसंद होती है. सो या अगेन सॉन्ग के रिएक्शन के बारे में, वेल गुड सॉन्ग, वेरी मेलोडियस सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग, नाइस सॉन्ग, गुड जॉब. And also a tone, you know, pace or storyline बहुत set की है उन्होंने, it was very slow and peaceful song. So yeah, this was our reaction, very filmy OST, तेरे रंग रंग. And जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए for more entertainment, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि नेक्स्ट हम लोग किस पर रिएक्ट करें. Yes,
For more entertainment, follow us on Instagram, Facebook and Twitter. और description में हमने details दिए हुए हैं, आप अपनी screen देखें. आप लोगों ने अपनी स्क्रीन में डिटेल्स अपनी स्क्रीन में दिए हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं, बिकॉज़ स्क्रीन मतलब यहाँ पर जहाँ हम दिख रहे हैं, ये जो डब्बा है ना इसके अंदर जो हम दिख रहे हैं यहाँ पर हैं. सो यहाँ दिस मोहम्मद शाबिर, मोहम्मद यासीन, आयशा यासीन, एंड वी आर ऑल साइनिंग ऑफ.